अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं अभी निकला था हिली आर्कोलॉजिकल साइट को ढूंढने के लिए, लेकिन मसला ये हो गया कि यहाँ पर का जो बस का सिस्टम है वो थोड़ा अजीब गरीब है, तो मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैं यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पर मुझे एक छोटा सा किला दिखा। जब मैं उसके पास गया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये पुराना एक किला है हिली का, लेकिन ये वक्त के साथ वो टूट गया था, ख़त्म हो गया था, जिसके बाद यहाँ की मौजूदा हुकूमत ने उसको वापस से रीस्टोर किया है। तो उसकी कुछ चीज़ों को उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया, बाकी उन्होंने नया स्ट्रक्चर बनाया, तो वो किला तैयार हुआ और उसी के पास मौजूद है ओसिस। आम तौर पर ओसिस के पास, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ ओसिस की वजह कर ही तहजीब पनपी है, और यहाँ पे फलज का जो कंसेप्ट है, अंडरग्राउंड वाटर जो आता है और जिससे सिंचाई होती है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो अभी हम हिली ओसिस में हैं, यहाँ पे आसपास आप देख रहे हैं हरियाली है, और इसी वजह कर यहाँ पर दोनों जानी बड़े पैमाने पे खजूर के बागात हैं। तो ये यहाँ पर की खूबसूरती है। ये अलैन का बेसिकली हिली ओसिस है, तो काफ़ी ख़ूबसूरत है यहाँ पे। तो मैंने पहले भी आपको ओसिस दिखाया, तो ये भी उसी ओसिस का एक तरह से पार्ट है। तो अलग अलग इलाके में जो अलग अलग तहजीबें हैं वो इससे मुंसलिक हैं। सो यही है, हम कुछ और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ और ढूंढ लिया, तो हमने सोचा कि चलो ज़रा इस पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उन्होंने मुझे जाने दिया अंदर कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, घूम सकता है। सो मैं यहाँ पे आया। ये मेरे लिए पहला मौका है यूएई में जब मैंने दिल्ली और आसपास के इलाके के हेरिटेज को ढूंढते वक्त, जिस तरह से मैं निकलता था बाहर और मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था अकेले से और मैं रास्ता खो जाता था, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। बट ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, नई जगह है। यहाँ पे 50 तरह का इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे इंटरनेट सेवा हमारे पास अच्छा नहीं है, जिससे आप गूगल लोकेशन का इस्तेमाल कर सकें चीज़ों को जानने और देखने के लिए। और फिर दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे नहीं है, वो है लैंग्वेज। बहुत सारे यहाँ पे जो लैंग्वेजेस हैं तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो ये है एक प्रॉब्लम। ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत महंगा है, तो एक और इशू है। तो बहरहाल कोई नहीं, अब हम लोग चल रहे हैं घर की जानिब।